देखिए, आज तमाम सांसद, गैर भाजपा सांसद क्या मांग कर रहे हैं? क्या कोई नजायज मांग कर रहे हैं? क्या कोई गलत बात कह रहे हैं? वो बस इतना ही तो कह रहे हैं कि इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत मानी जाने वाली भारत देश की संसद में अगर एक इतनी बड़ी सुरक्षा चूक होती है तो उस पर चर्चा हो, उस पर जांच एजेंसियां, माननीय गृहमंत्री जी, जो भी लोग सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी, जिनकी दायित्व बनता है, वो आकर सदन के भीतर अपना बयान दें और पूरे पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले। इसमें कोई नजायज मांग तो कर नहीं रहे। आप खुद सोचिए कि अगर कोई शख्स आज भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बतौर मेहमान, उसके हस्ताक्षर से विजिटर पास बनवाकर दर्शक दीर्घा में पहुंचता है, अपने साथ गैस कैन, स्मोक कैन जैसे पदार्थ लेकर पहुंचता है, तो कल को वो कोई और भी औजार साथ लेकर आ सकता था, कोई पिस्तौल लेकर आ सकता था, पॉइजनस गैस बॉम्ब लेकर आ सकता था, पॉइजनस गैस कैन लेकर आ सकता था, कोई भी वस्तु ला सकता था, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकता था, किसी को चोट पहुंच सकती थी, जानमाल का नुकसान हो सकता था। तो ये सारे पहलू हैं जो एक जांच का विषय है। इस पर जांच हो और पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, कम से कम इस पर एक छोटी सी चर्चा हो, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को ये मांग स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष की या दलगत राजनीति की बात नहीं है, ये इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत भारतीय संसद की बात है। अगर संसद भवन सुरक्षित नहीं है तो क्या देश सुरक्षित है? ये बड़ा सवाल खड़ा। लेकिन गृह मंत्री ने तो कहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं और संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, इसको लेकर स्पीकर ने चिट्ठी लिखी है, गृह मंत्रालय कमेटी बनाई गई है, उसका रिपोर्ट आ जाएगा 15-20 दिनों में। आप क्या चर्चा मांगना राजनीति करना है? क्या इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हो गई, उससे उस पर सरकार से जवाब मांगना कोई राजनीति करना है? अगर हम सरकार से जवाब नहीं मांगेंगे तो किससे जवाब मांगेंगे? आप मुझे बताइए, मुझे कोई ऐसा शख्स बता दीजिए जिससे जवाब मांगना चाहिए। हम किससे जवाब मांगे? कोई एम्स के डॉक्टरों से जवाब मांगे या कोई इंजीनियरिंग एसोसिएशन से जवाब मांगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की समिति से जवाब मांगे, कोई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों से जवाब मांगे? किससे जवाब मांगेंगे? हम सरकार से ही तो जवाब मांगेंगे। तो जब सरकार से हम जवाब मांग रहे हैं तो सरकार कह रही है आप राजनीति कर रहे हैं। अरे हम राजनीति नहीं कर रहे, हम जवाब जानना चाहते हैं कि कैसे ये सुरक्षा चूक हुई। हम सब जानते हैं, हम सब सांसद हैं, कि कोई भी शख्स अगर आपका बतौर मेहमान किसी सांसद का सदन के भीतर आता है तो 3 बार सिक्योरिटी चेक होता है, 3 बार आपकी सिक्योरिटी चेकिंग और फ्रिस्किंग होती है। आपको साधारण सा बॉल पेन, मोबाइल फोन तो दूर, एक साधारण सा बॉल पेन तक दर्शक दीर्घा में ले जाया नहीं, ले जाना इजाजत नहीं होती ले जाने की। तो कैसे कोई शख्स गैस कैन, स्मोक कैन लेकर पहुंच गया? ये बड़ी गंभीर जांच का विषय है और हम चाहते हैं कि सरकार इस पे एक छोटी सी चर्चा कराए, सारे फ्लोर लीडर्स की बात सामने आए, तमाम नेता अपनी बात रखें, सरकार उस पर जवाब दे, पूरे सदन को कॉन्फिडेंस मिले, देश को कॉन्फिडेंस मिले। और अगर संसद सुरक्षित नहीं है तो देश की जनता ये पूछती है कि क्या देश सुरक्षित है? तो जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जवाब जानना चाहती है, सरकार को जवाब दे देना चाहिए। मेरी तो सलाह ये रहेगी कि आप जवाब दे दीजिए, जवाब देने में कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। जो भी अभी तक जांच हुई है वो जांच सदन के सामने रखिए, लेकिन जैसे जैसे आप चर्चा से भागेंगे लोगों के मन में प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं, सवाल खड़े होते हैं।